दोस्तों एक जानी मानी कहावत है अ पिक्चर इज अ वर्थ ऑफ थाउजेंड वर्ड यानी कि एक इमेज या एक पिक्चर थाउजेंड वर्ड के बराबर होता है तो वैसे ही एक वीडियो दस हजार वर्ड के बराबर हो सकता है जी हाँ दोस्तों अगर आपको किसी को कुछ चीज समझानी है तो उसे आप थेटिकल समझाने की बजाय अगर वीडियो दिखा देते हो तो वो उसे जल्दी से समझ में आ जाएगी क्योंकि आजकल वीडियो का जमाना है तो आपको वीडियो बनाना आना चाहिए उसे एडिट करना आना चाहिए तो वीडियो एडिट कैसे करते हैं वो भी फ्री सॉफ्टवेयर से जी हाँ फ्री सॉफ्टवेयर से वीडियो एडिट कैसे किया जाता है ये आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये सॉफ्टवेयर कंप्लीटली फ्री है और इस सॉफ्टवेयर में हम किस तरह से हमारे वीडियो को स्प्लिट कर सकते हैं यानी कि हमने वीडियो में बहुत बार गलती की है तो उसे हम कैसे स्प्लिट करेंगे वीडियो के अंदर की आवाज को हम डिटैच कैसे कर सकते हैं या फिर वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं वीडियो में इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं और इमेज को हम एनिमेशन भी कैसे दे सकते हैं ऐसी ढेर सारी चीजें एक ही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो एडिटिंग का कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लेके आया और वो भी फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर जी हाँ आपको इस सॉफ्टवेयर के लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं तो फ्री की चीजें नहीं चाहिए मैं हमेशा कहता हूं तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हो वीडियो एडिटिंग डिटेल में सीखने के लिए तो आज का वीडियो आपके लिए सीधी बात नो बकवास लर्न मोर चैनल पर मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं यह वीडियो शुरू करते हैं तो आइए दोस्तों सबसे पहले यह जान लेते हैं कि ओपन शॉट वीडियो एडिटर प्री में हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं तो मैंने क्या किया एक वेबसाइट विजिट की है ओपन जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आओगे यहाँ पे आपको डाउनलोड ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा नीचे बॉर्डर में आप देख सकते हैं यहां पर ओपन शॉट वीडियो एडिटर डाउनलोड हो रहा है लगभग एक सौ का इसे डाउनलोड होने देते है. तो अब ये यहां पे डाउनलोड हो चुका है आप देख सकते हैं यहां पे डाउनलोड हो गया है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं जैसे मैं क्लिक करूंगा यहां पे एक पॉपअप आपके सामने आएगा उसे आपको यस करना होगा जो मैंने किया है उसके बाद आ रहा है सिलेक्ट सेटअप लैंग्वेज मैं इसे ओके करता हूं उसके बाद आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूं नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूं डेस्कटॉप पे अगर, अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो वो भी आप यहां पे चेक कर सकते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके यहां पे इंस्टॉल बटन पे आपको क्लिक करना है बहुत ही सिंपल इंस्टॉलेशन है यहां पे आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसे इंस्टॉल कर देना है इंस्टॉल होते ही यहां पे लॉन्च ओपन शॉर्ट वीडियो एडिटर ऑप्शन आएगा और उसके बाद उसे चेक करके आप फिनिश करोगे तो यहाँ पे आपका वीडियो एडिटर लॉन्च हो जाएगा मैं इसे मैक्सिमाइज करता हूं और जैसे ही पहली बार आप इसे लॉन्च करोगे तो आपके सामने ये वेलकम स्क्रीन आएगी यहां पे आपको ट्यूटोरियल मिलता है मतलब कहां पे क्या होगा ये आपको बताया जा रहा है लेकिन इसी के लिए तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूं तो डोंट वरी इसे आप डायरेक्टली हाइड कर सकते हैं हाइड ट्यूटोरियल या फिर आप नेक्स्ट नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई इसे क्या कहा जाता है यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल आएगी यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे टाइमलाइन इसे कहा जाता है मैं आपको समझाने वाला हूँ इसे वीडियो प्रीव्यू कहा जाता है और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट वीडियो बटन मिल रहा है ओके okay, तो इस तरह से एक छोटा सा आपको वहाँ पे ट्यूटोरियल दिया गया है बेसिकली उनकी जरूरत नहीं है हम यहाँ पे देखने वाले वो ट्यूटोरियल हम सीखने वाले हैं मेरा वीडियो ट्यूटोरियल आपको मिल रहा है तो बेसिकली आपको किसी और की जरूरत पड़ने वाली नहीं है दोस्तों तो अभी हम फ्री में वीडियो एडिटिंग करना सीखने वाले इस सॉफ्टवेयर की मदद से तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों ओपन शॉट वीडियो एडिटर ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा उसमें सबसे लेफ्ट साइड में आपको प्रोजेक्ट फाइल करके एक सेक्शन दिखाई दे रहा है जहां पे हम अपने वीडियो ऑडियो और इमेज जो भी एडिट करने हैं वो यहां पे रखने वाले हैं कैसे रखने वाले आगे चलकर देखेंगे राइट साइड में एक आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसमें वीडियो प्रिव्यू करके ये टाइटल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे वो वीडियो प्रिव्यू होगा जो वीडियो हम एडिट कर रहे हैं और नीचे आपको कुछ ट्रैक करके दिखाई दे रहा है और यहाँ पे टाइमलाइन करके एक सेक्शन दिखाई दे रहा है तो ये टाइमलाइन के अंदर अलग अलग ट्रैक होते हैं जिसमें वीडियो ऑडियो हम ऐड कर सकते हैं और इसे टाइमलाइन कहा जाता है बेसिकली ये सिंपल व्यू है इस ओपन शॉट वीडियो एडिटर का अगर आप व्यू में जाएंगे ऊपर देखिए यहाँ पे व्यू में मैं क्लिक कर रहा हूँ व्यू के अंदर व्यूज़ में यहाँ पे अलग अलग व्यूज़ है अगर आप एडवांस व्यू यहाँ पे लेना चाहते हो तो ले सकते हैं बेशक इसमें आपको प्रॉपर्टीज करके एक और सेक्शन मिल जाता है या फिर ट्रांजिशन एक साथ दिखाई देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा आपको समझने के लिए मैं आपको एडवांस व्यू में जो ऑप्शन आने वाले वो बताने वाला हूँ लेकिन फिलहाल आप सिंपल व्यू ही लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा सिंपल लगे एडिट करने में और ये काफ़ी इजी सॉफ्टवेयर है देखिए करना क्या है सबसे पहले हमें यहाँ पे वीडियो सेक्शन में वीडियो रखना है जो हमें एडिट करना है ऑडियो सेक्शन में हम ऑडियो रखेंगे इमेज सेक्शन में हम इमेज रखेंगे तो चलिए वीडियो ऑडियो और इमेज कैसे इम्पोर्ट करें एक साथ मैं बता देता हूँ इस बॉक्स में आप राइट क्लिक कीजिए कहीं पर भी आप राइट क्लिक कीजिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इम्पोर्ट फाइल्स करके राइट कंट्रोल ऐप उसकी शॉर्टकट की है मतलब आप डायरेक्टली कंट्रोल ऐप कीबोर्ड पे प्रेस करते तो भी चलेगा आपके सामने यहाँ पे आपका फाइल एक्सप्लोरर यानी इंपोर्ट फाइल के लिए ऑप्शन मिल जाएगा आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपके कौन से ड्राइव में फाइल पड़ी है तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर ले रहा हूँ जहाँ पे मैंने ऑडियो वीडियो और इमेजेस रखे तो पहले मैं वीडियोस को लेना चाहता हूँ तो मैंने वीडियोस फोल्डर ओपन किया है और यहाँ पे मैं इन सभी वीडियोस को एक साथ लेना चाहता हूँ तो मैं ऐसा ड्रैग करूँगा देखिए ऐसे ब्लैंक एरिया से मैं क्लिक एंड ड्रैक करूँगा ये पूरे के पूरे सिलेक्ट हो जाएंगे या कंट्रोल ए बटन प्रेस करो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप ओपन बटन पर फाइनली यहाँ पर क्लिक करो ये सारे वीडियोज़ यहाँ पर आ जाएंगे लेकिन ये वीडियोज़ अभी आपको नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि मेरा इमेज सेक्शन पे, पे क्लिक है मैंने वीडियोज इंपोर्ट कर लिए तो है तो वीडियो पे क्लिक करो ये वीडियोज़ यहाँ पे दिखाई देंगे याद रखो या फिर शो ऑल करो शो ऑल में सारी चीज़ें दिखाई देती है तो मुझे वीडियो पे क्लिक रखना है जब मैं वीडियो इंपोर्ट करूंगा या वीडियो इंपोर्ट किए तो वीडियो में ही दिखाई देंगे ना बेसिकली अगर आप इमेज पे क्लिक रखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा ऑडियो पे क्लिक रखोगे तो ऑडियो में कुछ नहीं दिखाई देगा तो ऑडियो पे क्लिक रखो यहाँ पे राइट क्लिक करो इंपोर्ट फाइल्स करो अब हम कुछ ऑडियो इंपोर्ट करके भी रख देते हैं ताकि आगे चलकर हम इसे यूज़ करें ऑडियोज़ में जा रहे हैं और यहाँ पे ढेर सारे ऑडियोज़ पड़े हैं कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक है कुछ फ़नी ट्विंग पैंग ट्विंग है जैसे मैं वीडियोस में डालता हूँ अक्सर मेरे तो वो सारे आवाज़ है और ये सारी प्रैक्टिस फाइल मैं आपको डाउनलोड के लिए दे रहा हूँ कहाँ पर डाउनलोड के लिए मिलेगी आगे मैं बताने वाला हूँ फिलहाल यहाँ पर ओपन कीजिए तो ये देखिए ये सारे साउंड्स मैंने यहाँ पर ले लिए जो मैं हमेशा वीडियो में यूज़ करता हूँ ऑडियो में यहाँ पर ऑडियो मैंने ऐड कर दिए वीडियो में वीडियो दिखाई दे रहे हैं ज़रा ध्यान से देखिए वीडियो में वीडियो ऑडियो में ऑडियो और इमेज के अंदर फिर से यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए इंपोर्ट फाइल्स और मैं फिर से ट्रायल फ़ाइल्स के अंदर यहाँ पे इमेजेस फोल्डर में से इमेजेस ले रहा हूँ तो आपको ये क्लियर हो चुका है मैं दो तीन इमेजेस लेना चाहता हूँ और लेना चाहता हूँ तो आगे चल मैं ले लूँगा तो मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके उन इमेज को सिलेक्ट करके बस इम्पोर्ट या ओपन बटन पर क्लिक कर दूंगा ओपन हो जाएंगे तो इस तरह से वीडियो ऑडियो और इमेज आप यहाँ पे ले सकते हैं ये बात तो क्लियर हो चुकी है आपको कैसे लेने हैं एडिट करने के लिए आपको वीडियो ऑडियो और इमेज इंपोर्ट ऑप्शन की मदद से यहाँ पे शो ऑल बटन पे क्लिक कीजिए सारी की सारी चीजें एक साथ आपको दिखाई देगी वो वीडियो रहने दो ऑडियो रहने दो इमेजेस रहने दो राइट right? तो आपको प्रोजेक्ट फाइल्स में यहाँ पे क्या आता है वो समझ में आए प्रोजेक्ट फाइल में यहाँ पे एक ही टैब नहीं है इसकी जगह आप ट्रांजेक्शन भी दिखा सकते हैं और इफेक्ट्स भी दिखा सकते हैं लेकिन इनका आगे चलकर यूज है यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन और इफेक्ट्स है लेकिन इनका आगे चलकर हम यूज देखने वाले है ये जो नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहे टैब दिखाई ဒီရေ day. इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इसमें से कोई वीडियो एडिट करने के लिए लेना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे उसे टाइम में ट्रैक के ऊपर लेना पड़ेगा तो टाइम के ट्रैक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे अगर टाइम आपको ज़्यादा बड़ी करनी है तो यहाँ पर बीच में आपको कुछ डॉटेड दिखाई दे रहे हैं ना डॉटेड पॉइंट्स इसके ऊपर देखिए जूम करके मैं दिखा रहा हूँ और इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके आओ तो फोकस भी कर लेता हूँ ओके यहाँ पे देखिए इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके आ जाओ और यहाँ पे डॉटेड लाइन से आप ऊपर कर लो ये टाइमलाइन के ट्रैक्स आपको पूरे के पूरे दिखाई देंगे लेकिन इससे क्या होगा कि ऊपर का वीडियो प्रव्यू और ये थोड़ा साइज साइज कम 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 हो हो जाएगा जाएगा इसका भी भी जो प्रोजेक्ट फाइल्स बॉक्स है है उसका भी कम हो जाएगा। तो डिपेंड आप ज्यादा कर सकते हैं और यहां पे भी लेफ्ट राइट कर सकते हैं और यहाँ पे, right पे देखिए यहाँ पे कुछ डॉट्स आपको मिल जाएंगे यहां से भी आप लेफ्ट राइट right कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर रख रहा हूं लेफ्ट और राइट right करके यहाँ पे इस तरह से साइज कम ज्यादा कर सकते हैं आप विंडोज की साइज कम ज्यादा करने के लिए ऑप्शन दिए गए कौन से प्रोजेक्ट फाइल का विंडो कैसा रखना है या फिर वीडियो प्रीव्यू कितना बड़ा रखना है वो आपके ऊपर है फिलहाल ट्रैक वन टू फाइव यहाँ पे मिल चुके हैं मुझे मुझे इतनी ट्रैक की जरूरत नहीं है तो मैं कुछ ट्रैक को डिलीट भी कर सकता हूँ कोई भी ट्रैक अगर डिलीट करना है तो राइट right क्लिक करना है उसके ऊपर और रिमूव ट्रैक करके ऑप्शन आपको मिल जाएगा देखिए रिमूव ट्रैक पांच नंबर ट्रैक मैंने हटा दिया रिमूव ट्रैक या फिर आप ट्रैक को रीनेम करना चाहते हो तो कर सकते हैं सपोज मैं ट्रैक वन को रीनेम करना चाहता हूँ राइट क्लिक करूंगा ट्रैक वन पे रीनेम बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ट्रैक का नाम क्या देना चाहता हूँ इसमें मैं वीडियो ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने लिखा यहाँ पे वीडियो और फिर ओके बटन पे क्लिक करते ही इसका नाम क्या हो गया वीडियो और सेकंड ट्रैक पे मैं ऑडियो ऐड करना चाहता हूँ तो उसका नाम मैं ऑडियो रखूँगा आप रख सकते हैं ज़रूरी नहीं है नाम देना लेकिन आप रख सकते हैं नाम देना है तो वो आपके ऊपर है नाम दे सकते हैं समझने के लिए अगर आपके पास ज़्यादा ट्रैक है तो राइट रीनेम भी दिया है रिमूव भी दिया है और एडिशनल ट्रैक चाहिए ऐड ट्रैक अब अगर आपको और ट्रैक चाहिए तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं ट्रैक को लॉक भी कर सकते हैं अगर किसी ट्रैक में आपको एडिटिंग नहीं करना है तो उसके लिए लॉक ऑप्शन भी दिया गया है वो आगे चलकर समझ लेंगे तो फिलहाल आपको ये चीज़ तो समझ में आई कि यहाँ पे ट्रैक दिए हैं और ट्रैक को कैसे इंसर्ट करना है डिलीट करना है वो तो मैंने आपको बताया लेकिन यहाँ पर वीडियो एडिट करने के लिए लेना है तो यहाँ पर कोई भी एक वीडियो सिलेक्ट कर लो जैसे मैंने ये वाला वीडियो ले लिया मेरा कुछ शूट है यहाँ पर वीडियो एडिटिंग इंट्रो करके तो मैं इसे ड्रैक करके ड्रॉप करूँगा मेरे पहले ट्रैक पर ये जो पहला ट्रैक है मेरा जिसका नाम है वीडियो और एकदम स्टार्टिंग पे ड्रैक और ड्रॉप करूंगा मैं इसे मिडिल से नहीं स्टार्ट करना चाहता मैं एकदम स्टार्टिंग से करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ड्रॉप करूंगा एकदम स्टार्ट में जैसे मैंने इसे ड्रॉप कर लिया इसकी साइज मैं अभी कम कर देता हूँ ट्रैक की देखिए ये ट्रैक की साइज यहाँ से कम कर देते हैं मतलब टाइम लाइन की साइज कम कर दी बेसिकली ट्रैक की साइज तो वही है टाइम लाइन के साइज टाइम लाइन का प्रीव्यू आपको यहाँ पे है अभी ये जो वीडियो प्रीव्यू है ना वो आपको जरा बड़ा दिख रहा है अब मैं इसे प्ले करना चाहता हूँ तो कीबोर्ड पे स्पेस बटन से आप इसे प्ले कर सकते हैं आजकल कोई भी चीज़ प्रेजेंट करनी है तो वीडियो का ज़माना है राइट right वीडियो का तो जमाना है दोस्तों मैंने इसे स्टॉप करने के लिए फिर से स्पेस बटन पे प्रेस कर दिया तो स्पेस बटन से प्ले और वीडियो का जमाना और स्पेस बटन से स्टॉप होता है याद रखिए यहां से भी आप प्ले कर सकते हैं यहां पे आपको प्ले है और फॉरवर्ड वगैरह भी बटन दिया गया है अब प्ले और पॉज कैसे किया मैंने आपको बता दिया लेकिन यहां पे इस वीडियो को आप जूम इन जूम आउट कैसे कर सकते हैं टाइम लाइन के ऊपर यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा मतलब टाइम लाइन पे अगर आप यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करोगे ये देखिए टाइम लाइन के ऊपर यहाँ पे प्लस बटन आपको दिखाई दे रहा है ये जुमीन है यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं जुमीन हो रहा है और ये कैसे जुमीन हो रहा है यहां पे टाइमलाइन के ऊपर आप देख सकते हैं जीरो जीरो फोर्टी सेकेंड्स मतलब थर्टी टू फोर्टी सेकेंड मतलब दस सेकंड दिखाई दे रहा है अब मैं और जूम करता हूँ यहाँ पे फाइव सेकेंड्स में आ रहा है देखिए थर्टी फाइव टू थर्टी थ्री एक एक सेकंड के ऊपर भी लेके जा सकते हैं अभी आप देख सकते हैं थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर एक एक सेकेंडस का प्रीव्यू आ रहा है आपको और यहाँ पे आप माइनस बटन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे आप माइनस बटन भी देख सकते हैं और माइनस बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो ये वीडियो जूमआउट हो जाए मतलब आपको ये टाइम लाइन के ऊपर जूम इन जूम आउट क्या होता है कि बेसिकली वीडियो स्प्लिट करते समय हमें एक एग्जैक्टली exactly उस लोकेशन पे स्प्लिट या ब्रेक करना है वीडियो को जिसमें हमने गलत बोला है या फिर पर्टिकुलर वो पार्ट रिमूव करने के लिए हमें जुमीन की जरूरत पड़ती है तो ये जुमीन आप यहाँ से कर सकते हैं या कीबोर्ड के की ऊपर कंट्रोल बटन प्रेस करके आप आगे की तरफ स्क्रोल बार घुमाओ याद रखिए कीबोर्ड बोर्ड की के ऊपर कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए माउस का स्क्रोल बार आगे घुमाइए जूम इन होगा माउस का स्क्रोल बार अपनी तरफ घुमाइए जूम आउट हो जाएगा ये रहा जूम आउट इस तरह से तो ये जूम इन जूम आउट आपको करना है तो आप यहाँ पे बेशक कर सकते हैं और वीडियो को यहाँ पे लेफ्ट राइट ऐसा स्क्रोल भी कर सकते हैं अब मुझे क्या करना है इस वीडियो के अंदर का अनवांटेड पार्ट रिमूव करना है जहाँ पे मैं साइलेंट हूं मैंने कुछ बोला नहीं है यहाँ पे है वीडियो में कहीं पे तो लेकिन मुझे वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे वेब फॉर्म नहीं दिख रहा है मुझे ऑडियो का तो ऑडियो का वेव फॉर्म मैं वीडियो में कैसे लाऊंगा राइट क्लिक करूंगा इस वीडियो पे वीडियो पे जब मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मुझे मिलेंगे जिसमें मैं डिस्प्ले में जाऊंगा और डिस्प्ले में मेरा शो थमनील पहले से रहता है मैं शो वेब फॉर्म यहाँ पे क्लिक करूंगा इस वीडियो का मैं वेब फॉर्म देखना चाहता हूँ अगर मैं वेव फॉर्म इसे शो करता हूँ तो इस वीडियो में जो ऑडियो है उसका वेव दिखाई देगा कि मैंने कहाँ पे कुछ बोला नहीं है वो मुझे यहाँ पे पता चलेगा यहाँ पे देखिए अब आप आसानी से देख सकते कि भाई यहाँ पे ऑडियो नहीं है मेरा और यहाँ पे मुझे कुछ कट करना पड़ेगा कुछ अनवॉन्टेड पार्ट रहेगा मेरा तो मैं यहाँ पर वीडियो प्ले कर देता हूँ जो मैं कैसे कट करूँगा मैं आपको दिखाऊंगा पहले प्ले करके देख लेते हैं तो आपका रियल ट्यूटोरियल चैनल पर स्वागत करता हूँ लेट्स बिगिंग राइट right? यहाँ पे लेट्स बिगिन हो गया और स्टॉप हो गया मैं और इसके आगे मैंने यहाँ से यहाँ तक नहीं बोला है अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं इसे थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ टाइमलाइन पे अगर आप जूम करेंगे तो कैसे दिखाई देगा देखिए जूम बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये यह स्पेस आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्पेस जो है नाउ यू कैन सी कि ये मुझे रिमूव करना है यहाँ पे लास्ट सेंटेंस मेरा लेट्स बिगिन हो गया यहाँ पे खत्म हो गया वेव से पता चल रहा है अच्छे से वेव फॉर्म मैंने इसलिए शो किया है आपको दिखाने के लिए कि भाई वेव फॉर्म से आप प्रॉपर एडिट कर सकते हैं आपको पता चलता है यहाँ पे मुझे इसको स्प्लिट कर देना लेट्स बिगिन हो गया यहाँ तक ठीक है तो ये जो प्ले हेड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ध्यान से देखिए इसे प्ले हेड कहा जाता है मैंने बताया नहीं अब तक लेकिन ये बता देता हूँ प्ले हेड कहा जाता है ये जो प्ले हेड है ये आप जहाँ पे रखेंगे मैं इसे पीछे रखूंगा तो यहाँ से आगे का कट होगा यहाँ से आगे जहाँ से भी कट करना है आपको वहाँ पे रखना है मुझे वीडियो को यहाँ पे कट करना है एग्जैक्टली exactly. अब मुझे कट करते समय वीडियो के लेफ्ट और राइट दोनों साइड रखने हैं याद रखिए इसमें ऑप्शंस रहते हैं आपके पास मतलब वीडियो का राइट साइड आपको रिमूव करना है पूरा का पूरा तो उसके लिए एक शॉर्टकट की है आपको लेफ्ट साइड रिमूव करना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट की और दोनों साइड रखने बीच में बस एक कैसी से काट देना है तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट किया मतलब स्प्लिट करना है तो उसके लिए भी शॉर्टकट की तो शॉर्टकट की ये है कंट्रोल के कंट्रोल के अगर मैं यहां पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए वीडियो के दो पार्ट हो गए अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी यहाँ पे दो पार्ट हो चुके हैं वीडियो के एक लेफ्ट में दिख रहा है और एक राइट साइड में मैं क्लिक करता हूँ ये देखिए रेड हाईलाइट हो हाँ रहा है ना वहाँ पे ऐसे मैं क्लिक करूँगा तो ये दो पार्ट कंट्रोल जेड करता तो अंडू यहाँ पे चलता है राइट कंट्रोल जेड यहाँ पे करेंगे आप तो अंडू हो जाएगा यू नो अंडू अंडू नहीं पता आपको अंडू पांडू यार अंडू मीन्स बैक वन स्टेप बैक राइट कंट्रोल के स्प्लिट कैसे होता है कंट्रोल के से कंट्रोल जेड से अंडू कर सकते हैं आप इसे राइट कंट्रोल जेड से मैंने अंडू कर दिया अब कंट्रोल जे अगर मैं यहां पे यूज करता हूं कंट्रोल जे तो याद रखिए क्या होगा राइट right साइड का पार्ट रहेगा लेफ्ट साइड का पूरा का पूरा वीडियो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा कंट्रोल जे याद रखो और कंट्रोल एल करते हो तो लेफ्ट साइड का पार्ट रहेगा और राइट right साइड का पूरा का पूरा डिलीट होगा राइट कंट्रोल एल लेफ्ट साइड का जो वीडियो है वो रहेगा जितना जहां पे प्ले हेड है उसके लेफ्ट साइड का वीडियो रहेगा और राइट right साइड का डिलीट हो जाएगा अगर कंट्रोल जे करते हैं तो राइट right साइड का रहेगा लेफ्ट साइड का डिलीट होगा और कंट्रोल के करते हैं तो दोनों साइड का रहेगा बीच में स्प्लिट हो जाएगा और स्प्लिट करने का और एक तरीका है यहाँ पे मैं इसे दोबारा अंडू कर देता हूँ और यहाँ पे आपको एक सीजर जैसा आइकॉन दिखाई दे रहा है इसे राइजर टूल कहते हैं राइट तो ये रेजर टूल ले लो क्लिक करो और हमारे प्ले हेड पर ला इस पर क्लिक कर दो ये देखिए प्ले हेड पर लाइए और यहाँ पर ला इसे क्लिक कर दीजिए तो ये भी वही काम करता है रेजर टूल राइट रेजर टूल से कर सकता है कंट्रोल के से कर सकता है मैंने शॉर्टकट की आपको बता दिया है तो अभी मैं रेजर टूल को हटा देता हूं और एक तरीका बता देता हूँ और एक तरीका यह है कि इसी के ऊपर आप राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्लाइस ऑप्शन दिखाई दे रहा है और स्लाइस में भी आपको वही मिल रहा है स्लाइस कैसे करना चाहते हैं आप इसका प बोथ साइड्स कीप लेफ्ट साइड कीप राइट साइड वो आपके ऊपर है तो मैं कीप बोथ साइड अगर रखूंगा तो भाई वही होगा जो कंट्रोल के से होता था राइट सो बेसिकली आपको स्प्लिट करना पता चला मैंने तरीके बता दिए अब यहाँ पे जो प्लेड है मैं उठा के उसे कहां पे रखूंगा यहाँ पे मेरा नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे मैं प्ले करके देखना चाहूंगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ से स्प्लिट करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं बोला ये साइलेंट है तो यहाँ पे आपको देखा दे रहा है मैंने कुछ नहीं बोला है यहाँ पे तो मैं इसे क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे वेव से आपको पता चल रहा है कि मेरा आवाज ही नहीं है इसमें तो फिर मैं यहाँ तक प्ले हेड ला के रख दूंगा और यहाँ से आगे का मुझे रखना है लेकिन लेफ्ट साइड का मुझे नहीं रखना है तो उसके लिए शॉर्टकट किया है कंट्रोल जे कंट्रोल जे से ये बीच का डिलीट हो जाएगा राइट वो क्यों डिलीट हो रहा है क्योंकि कंट्रोल जे मतलब राइट साइड का रहेगा लेफ्ट साइड का गायब हो जाएगा अगर आप इसमें कंट्रोल के कर लेते कोई बात नहीं कंट्रोल के कर लो दोनों साइड का रहने वाला है सो दोनों साइड का रहेगा कंट्रोल के से और ये वाला पोर्शन हमें डिलीट करना है तो आप इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते ओके okay. नाउ ये जो पोर्शन है इसे आपको यहां पे लाकर टच कर देना है लेकिन यहां पे ऐसे टच कर देना है तो ऑटोमेटिक स्नैप होना चाहिए और ये स्नैप हो रहा है देखिए हाईलाइट भी हो रहा है वो पॉइंट ऑटोमेटिक हो रहा है यहाँ पे अगर ये देखेंगे तो ज्वाइन हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन ऑन है और उसे ऑन रहने देना है स्नैपिंग इनेबल ये स्नैपिंग इनेबल आप रखिए ताकि आप जब वीडियो ज्वाइन करें तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो दिखे अगर ये आप ऑफ कर देते हैं और इस वीडियो को यहाँ पे लेके आते तो ये देखिए जल्द वो लाइन मतलब ये मैग्नेटिकली नहीं होता है डायरेक्टली लाइन आपका देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे पिक नहीं हो रहा है लाइन तो आ रही है वहाँ पे लेकिन वो पिक नहीं हो रहा है आगे भी जा सकता है ओवरलैप हो सकता है वीडियोज वैसे ओवरलैप हम वैसे भी कर सकते हैं लेकिन स्नैपिंग ऑन है तो ये जो ऑप्शन ऑन है उसकी वजह से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है और वो टच हो जाता है आपको पता चल जाता है कि हाँ ये ज्वाइंट हो गया अभी और आपको लेफ्ट में नहीं खींचना है वीडियो को अब आप प्ले कर लो लेट्स तो, बिगिंग वीडियो में आगे बढ़ लेकिन ये दोनों वीडियो मतलब यहां से आ, कुछ अलग वीडियो और यहाँ पे कुछ अलग वीडियो आ रहा है डायरेक्टली ना अलग पोजीशन पे आ रहा है तो मैं इन दोनों के बीच में कुछ ट्रांजिशंस या कुछ ऐसे इफेक्ट डालूंगा जो पता नहीं चले कि भाई ये दो वीडियो अलग अलग है तो इसके लिए हम कर सकते हैं क्या कर सकते हैं ट्रांजेक्शन ऐड करने के लिए तो उसके लिए करना क्या है कि अगर मुझे इसमें ट्रांजेशन ऐड करने हैं तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टैप दिया गया है मैं ट्रांजिशन स्टैप में से डायरेक्टली ट्रांजिशन ऐड कर सकता हूँ लेकिन एक चीज़ और भी है कि अगर इस वीडियो को आप इसके ऊपर थोड़ा सा ओवरलैप करके ऐसा रख देते हैं तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है दिखाई दे रहा है ये ट्रांजिशन और आप इसे प्ले करके भी देख सकते हैं मैं इसका ऑडियो थोड़ी देर के लिए म्यूट रखता हूँ और बस मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि ट्रांजिशन में इफेक्ट कैसे आएगा तो मुझे बस ट्रांजिशन इफेक्ट दिखाना है साउंड इफेक्ट को म्यूट करना है मुझे थोड़ी देर के लिए तो मैं साउंड इफेक्ट कैसे म्यूट करूँगा मैं वीडियो के ऊपर राइट क्लिक करूँगा कोई भी साउंड अगर वीडियो से आपको म्यूट करना है तो राइट क्लिक करना है वॉल्यूम में जाना है एंटर क्लिप के लिए हमें कौन सा लेवल रखना है साउंड का हमें रखना है जीरो परसेंटेज यहाँ पे नीचे देखिए जीरो परसेंटेज मैंने सेलेक्ट कर लिया पे भी मैं वही करूंगा यहां पे मैं राइट क्लिक करूंगा देखिए इस वीडियो पे भी यहां पे जाऊंगा मैं वॉल्यूम के अंदर एंटायर क्लिप के लिए मैं लेवल जीरो परसेंटेज रख दूंगा अब क्या होगा अगर मैं इसे प्ले करता हूं तो आवाज तो नहीं सुनाई देगा बिल्कुल आवाज वैसे भी नहीं चाहिए मुझे फिलहाल के लिए ये देखिए अभी आप ट्रांजिशन से इफेक्ट देख सकते हैं आप ये प्रॉपरली आ चुका है मतलब यहां पे आपको एक ट्रांजिशन मिल चुका है डिजोल्व करके ट्रांजिशन ऑटोमेटिक मिल रहा है इसकी साइज कम ज्यादा आप करना चाहते हो तो आप ऐसा कम रख सकते हैं इसको ये दिखाई दे रहा है तो ये प्रॉपर कटिंग मतलब एक इफेक्ट की वजह से आप एक जो कट हमने किया था वो दिखाई नहीं दे रहा है वो ऐसा आप ऐड कर सकते हैं मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ ट्रांजिशन आपको दिखाई दे इसलिए ये टाइम लाइन से यहाँ से आप जूम करें और टाइम लाइन को यहाँ से जूम करने से ट्रांजिशन का ये जो है साइज है बड़ा दिखाई देगा आपको छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और दूसरा कोई ट्रांजेक्शन मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखिए ट्रांजेशन में और भी ट्रांजेक्शन है इसमें से आप ले सकते हैं जो आपको पसंद है ढेर सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिए गए हैं मैं कोई भी एक ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे ले लेता हूँ और ड्रैग करके यहाँ पे इस पर ड्रॉ करूंगा लेकिन ये बहुत बड़ा आ चुका है तो मैं इसे इस तरह रखूंगा दोनों वीडियो के ऊपर बीच में इस तरह से और इसे मैं प्ले करके दिखाना चाहूँगा ये इतना परफेक्ट भी नहीं आ रहा है वैसे भी सो इस वीडियो को थोड़ा सा ये देखिए ओवरलैप भी हो चुका है तो इसे इस तरफ रखिए और अभी भी ट्रांजिशन आप डाल सकते हैं दोनों के बीच में मतलब जॉइंड है तो ज्वाइंट के बीच में ट्रांजिशन डाला जाता है ये आपको पता भी होगा पावर पॉइंट स्लाइड में अगर आपने देखा होगा राइट सो यहां पे देखिए अभी मैं इसे कर चुका हूं तो ये ट्रांजिशन इफेक्ट होते ही है कि भाई दो वीडियो के बीच में अगर आप कोई ट्रांजेक्शन ऐड करना चाहते हैं जिससे वो वीडियो चेंज हो रहा है पता ना चले इसलिए ऐड कर सकते हैं नीचे तो इसे डिलीट कर दीजिएगा इनको मैंने म्यूट किया था अगर मुझे दोबारा इसे अनम्यूट करना है तो वॉल्यूम में जाकर एंटायर क्लिप के लिए मैं यहां पे लेवल हंड्रेड परसेंटेज यहां पे रख दूंगा सिंपल है कोई भी मतलब क्लिप को आपको अगर वॉल्यूम रिड्यूस करना है कम्प्लीटली तो वो आपको यहाँ पे पता चल गया है और आपको कुछ परसेंटेज रिमूव करना है तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं फिलहाल हमारा आवाज़ वापस आ चुका है चैनल पे स्वागत करता हूँ लेट्स बेगिंग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों लेकिन अब तक का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है तो आपको एक बार मेरा ऐप जरूर चेक करना चाहिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लर्न मोर ऐप की लिंक दे दी है और लर्न ये वेबसाइट भी है मेरी ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटर है अगर आप डेस्कटॉप दे तो लर्न मोरपोट कॉम वेबसाइट पे चेक करो अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो तो लर्न मोर ऐप को डाउनलोड करो वहाँ पे पावर पॉइंट का कोर्स फ्री चल रहा है पब्लिशर का कोर्स फ्री है ढेर सारे पी डी एफ्स वहाँ पर फ्री रखे और डेली कंप्यूटर नॉलेज चेक करने के लिए कंप्यूटर की टेस्ट भी मैं वहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए और बहुत सारे कंप्यूटर प्रीमियम कोर्सेस अवेलेबल है जो कि बहुत ही कम रेट में अवेलेबल है सर्टिफिकेट के साथ तो एक बार ज़रूर लर्न मोर ऐप को चेक कर लीजिएगा चेक करने में क्या जाता है फिलहाल अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं वीडियो एडिटिंग में आगे का टॉपिक सीखते हैं तो यहाँ पे आपको ये तो समझ में आया कि भाई वीडियो को स्प्लिट कैसे किया जाता है अगर वीडियो के एंडिंग में यहां पे अगर आपके पास कोई ऐसा पार्ट है जो आपको रिमूव करना है तो यहाँ पे स्प्लिट करके रिमूव करने की जरूरत नहीं यहाँ पे सिंपली आप माउस पॉइंटर लेके आ जाओ यहाँ पे देखो एरो आ जाता है एरो आने के बाद यहाँ पे आप क्लिक एंड ड्रैग करो इस तरफ ये इस तरह से आप कट कर सकते हैं तो इसे स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है अगर आपकी वीडियो के एंडिंग में कुछ अनवॉन्टेड पार्ट है उसे रिमूव करना है तो आप उसे सिंपली क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं तो वो अनवॉन्टेड पार्ट रिमूव हो जाएगा तो ये ट्रैक वन पे वीडियो कैसे लेना है वो हमने देख लिया और वीडियो को स्प्लिट वगैरह कैसे करना है वो हमने देख लिया अब हम इसके ऊपर दूसरा एक और वीडियो या फिर इमेज ऐड करना सीख लेते हैं अगर मुझे इमेज ऐड करना है या वीडियो ऐड करना है यहाँ पे कहीं पे भी तो मैं कैसे ऐड करूंगा तो मेरे पास ऑलरेडी वीडियो है बहुत सारे और इमेजेस भी है तो मैं प्रोजेक्ट फाइल में दोबारा क्लिक करूंगा यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट फाइल्स राइट सो प्रोजेक्ट फाइल में क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक ऐप वीडियो करके एक छोटा सा मोबाइल का वीडियो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा नए ट्रैक के ऊपर ऊपर एक ट्रैक दिखाई दे रहा है ना ट्रैक टू तो ट्रैक टू पे आप वीडियो भी रख सकते हैं आप ऑडियो भी रख सकते हैं फिलहाल मैंने वीडियो ही रख दिया है अब यहाँ पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है इसका आवाज़ रखना ही नहीं रखना है आपके ऊपर नहीं रखना है इसका आवाज अगर इसके अंदर वॉइस है तो वो नहीं रखना है आपको तो और सिम्पली है वॉल्यूम में जाकर मैंने आपको बताया था एंटर क्लिप में इसका आवाज़ आप जीरो कर सकते हैं अगर आपको करना है तो इसमें अगर कोई साउंड है तो राइट आपको बस नीचे वाले क्लिप का साउंड रखना है वो आपके ऊपर है कौन सी क्लिप का साउंड रखना है उसके लिए मैंने आपको आइडिया दे दिया है लेकिन ये वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में आ चुका है मुझे यहाँ पे लेफ्ट साइड में चाहिए तो इस वीडियो को आप डायरेक्टली ड्रैग नहीं कर सकते उसके लिए आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ती है कंट्रोल आर लेकिन कंट्रोल आर प्रेस करने से पहले आपका प्ले हेड हमेशा वीडियो की स्टार्टिंग में रहना चाहिए क्योंकि यहां पे क्या होता है कि वीडियो में प्ले हेड का कर्सर अगर आप बीच में कहीं पे भी रखते हो ऐसा यहां पे तो वो यहां पे एक इंसर्ट की फ्रेम कर देता है अब ये इंसर्ट की फ्रेम क्या होता है एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूंगा इस सॉफ्टवेयर में वीडियो एडिट करते समय ये की फ्रेम क्या होता है यहां पे आप देखेंगे कि यहाँ पे छोटा सा एक ग्रीन पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है जो बहुत सारे लोग नोटिस नहीं करते बेसिकली और बहुत सारे लोग बताते भी नहीं वीडियो में कि भाई ये ग्रीन पॉइंट बेसिकली है क्या छोटा सा ये है की फ्रेम और आप जब इस वीडियो की साइज या शेप या पोजीशन चेंज करना चाहते तो हम हमेशा स्टार्टिंग से ही करेंगे यानी कि हमारा जो प्ले हेड है ये हमारा ये प्ले हेड हमेशा स्टार्टिंग में ही रहेगा मैं इसे क्लिक एंड ड्रैग

प्रीव्यू पे आप देखिए कुछ डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर तीन डॉट है बीच में एक छोटा सा अगर आप नोटिस करोगे तो छोटा सा एक सेंटर में एक डॉट या सर्कल दिखाई दे रहा है आपको अलग से कलर में और यहाँ पे भी नीचे डॉट दिखाई दे रहे हैं तो इससे क्या होगा कि इस वीडियो को आप कहीं पे भी रख सकते हैं इस प्रीव्यू पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए इसमें सेंटर पर क्लिक करो माउस पॉइंटर सेंटर पर क्लिक करके और यहाँ पे मैं इसे ड्रैग करके रख सकता हूँ और ये जो डॉट है ना कॉर्नर के इससे मैं इसकी साइज़ भी बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके आएंगे तो वहाँ पे एरो आता है और साइज भी बढ़ा सकते हैं अगर आप वीडियो की साइज़ बढ़ाना चाहते हैं इमेज आपकी इमेज की साइज़ बढ़ाना चाहते हैं अब मैंने क्या किया कि भाई प्ले हेड बीच में रख दिया यहाँ पे कहीं पर वीडियो में और मैंने इसे यहाँ पे रख दिया अब यहाँ पे नोटिस करो यहाँ पे नोटिस अगर आप करोगे तो यहाँ पे एक ग्रीन डॉट आ चुका है यानी कि एक और की फ्रेम इंसर्ट हो चुका है अगर आप कर्सर यहाँ पे रख के अभी प्ले करके देखना चाहते हैं अपने वीडियो का अगर आप कर्सर प्ले हेड यहाँ पे रख दो हेड एक ही हो गया अब मैं प्ले करता हूं बताओ किस तरह से एडिट करना आना चाहिए वीडियो बस शूट करना मतलब उतना ही काम नहीं है आपका वीडियो शूट करके उसको अच्छे से तो ये आपको कुछ समझ में आ रहा है यहां पे क्या हुआ कि भाई ये जो वीडियो है वो इस साइड आ चुका है क्यों यहां से यहाँ तक क्योंकि मैंने इस पोजीशन पे उसको यहाँ पे लाया तो ये यह आप एक चीज नोटिस करना है मैं अगर इस वीडियो को पूरा डिलीट कर देता हूं दोबारा मैं क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे अभी देखिए एक ही ग्रीन आ चुका है लेकिन आप बोलोगे वो अगर ग्रीन आ चुका है तो उसे हम हटाएंगे कैसे आप इसे अंडू भी कर सकते हैं या फिर की फ्रेम को प्रॉपर्टी से रिमूव किया जाता है जो आगे मैं बताऊंगा तो यहाँ पे ये की फ्रेम आपको दिखाई दे रहा है और कर्सर भी यहाँ पे होना चाहिए की फ्रेम यानी वो ग्रीन डॉट तो आपका प्ले हेड यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग में है तो अब आप कंट्रोल आर बटन प्रेस करो और स्टार्टिंग से ही आप इस वीडियो को यहां पे रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं वो की फ्रेम हमें एनिमेशन देने के लिए हेल्प कर सकता है ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो आप रख सकते हैं कि भाई इस पोजीशन पे यहाँ पे दिखना चाहिए उस पोजीशन पे वहाँ पे दिखना चाहिए तो अभी देखिए इस पोजीशन पे मैंने यहाँ पे रखा है कंट्रोलर बटन प्रेस करके आप आगे चलकर उसकी पोजीशन अलग रखना चाहते हो तो आगे कर्सर रखिए और यहाँ पे इसको अलग जगह पे रखिए तो वो एनिमेशन तैयार हो जाता है अभी देखिए स्टार्टिंग से मेरा वीडियो कहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा देखिए मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ मैं इसको वॉल्यूम म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली ये थोड़ा सा पता नहीं लेकिन ये थोड़ा सा रुक रहा है वॉट इज़ द इशू आई डोंट नो बट ये एक्सपोर्ट करते समय कुछ इशू नहीं आता इसका राइट तो चलिए ये नीचे वाला वीडियो को मैंने वॉल्यूम म्यूट कर दिया और प्ले करके दिखा रहा हूँ तो अभी आपको पता चला कि ये वीडियो स्टार्टिंग से यहाँ पे ही है क्योंकि मैंने पोजीशन स्टार्टिंग की फ्रेम पे वहाँ पे रखी थी अगर मैं प्ले हेड यहाँ पे रखूँगा और फिर इसे यहाँ से यहाँ तक मूव करूँगा तो ये वीडियो इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन में वहाँ से वहाँ तक चला जाएगा राइट ये आप कर सकते हैं आपके इमेजेस के साथ वगैरह लेकिन एक वीडियो के ऊपर दूसरा वीडियो कैसे ऐड करना है वो आपको डेफिनेटली समझा और साथ में ये जानकारी भी दूँ कि ये मेरा एक ऐप है जो कि लर्न मोर ऐप जहां पे ढेर सारे कोर्सेज चलते हैं मैं आपको मेरी लर्न मोर वेबसाइट भी यहां पे दिखाना चाहूंगा लर्न मोरप्रो डॉट कॉम और लर्न मोर ऐप दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है आप आप वेबसाइट पे अकाउंट बनाओ या फिर ऐप पे आप दोनों जगह लॉग कर सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे कोर्सेस आपको सीखने मिल जाते हैं और काफ़ी कम दाम में ये कोर्सेस अवेलेबल है आप जाकर चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्या क्या कोर्सेस आपको मिलने वाले ढेर सारे कोर्सेस एडवांस लेवल पे आपको ऑनलाइन विथ सर्टिफिकेट मिलने वाले तो आप जरूर चेक कीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो कुछ और जानकारी लेने के लिए मेरी टीचिंग स्टाइल आपको पसंद है मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है तो आपको इन कोर्सेज को जरूर एक बार चेक करना चाहिए काफी प्रीमियम कोर्सेस है और मैं गारंटी देता हूँ कि आप इन कोर्सेज के जरिए उन टॉपिक में मास्टर बनोगे जिस कोर्स को आप सीखना चाहते हैं डेफिनेटली आप बनोगे फिलहाल तो हम आगे की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे मैंने वीडियो के ऊपर वीडियो कैसे ऐड करना वो आपको बताया अगर मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूँ और इसकी जगह अगर मैं इमेज ऐड करना चाहूं तो अभी इमेज ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे इमेज टैप के ऊपर क्लिक करूंगा ऊपर ये डायरेक्टली इमेज मुझे यहाँ से भी दिख रही है लेकिन इमेज टैप पे खाली इमेजे से दिखाई देगी और मैं इसमें से जो भी इमेज लेना चाहता हूं मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप दिखाई दे रहा है आपको ये इमेज बढ़ी आ रही है और इसमें भी हमें वही करना है कि प्लेयर हमारा स्टार्टिंग में रख देना है प्लेयर स्टार्टिंग में रखने के बाद कंट्रोल आर बटन प्रेस कीजिए और फिर इस इमेज की साइज आप कॉर्नर पॉइंट से कम कर सकते ये देखिए यहाँ पे एरो आ रहा है लेकिन एरो से अगर आप डायरेक्टली कम करने जाएंगे तो इसकी साइज देखिए कैसे हो रहा है भाई ये जो है उसका रेशियो बदल रहा है कभी ये है ना दिखाई दे रहा ये ये डर्टी लुक आ जाएगा अगर आप इस तरह से हॉजेंटल रखते हो या इस तरह से वर्टिकल रखते हो तो इस तरह से कोई ग्राफिक वाला करता नहीं कभी भी याद रखो इसका रेशियो मेंटेन करो विड्थ वर्सेस साइड का तो उसके लिए कंट्रोल बटन आप प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल बटन प्रेस करोगे साइज कम करते समय कंट्रोल शिफ्ट ये दोनों भी होल्ड कर लो कंट्रोल शिफ्ट ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट से प्रॉपर होगा और फिर इन दोनों को छोड़ दो और बीच वाले पॉइंट से आप इमेज को जहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ पे रख सकते हैं अब मुझे कोई लोगो रखना है तो मैं लोगो भी रख सकता हूँ मैं से डिलीट कर देता हूँ मैं काम करता हूँ मेरा लोगो ही लेता हूँ कंट्रोल ऐप बटन प्रेस करूँगा और मेरा जो लोगो फोल्डर है उसमें से मैं लोगो यहाँ पे पिक कर लेता हूँ जैसे मेरे पास ढेर सारे लोगोज़ ऑलरेडी मेरे लोगोज़ फोल्डर में पड़े हैं तो यहाँ पे मेरे पास मेरे जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके लोगोज है बेसिकली तो मैं लर्न मोर का लोगो यहाँ पे स्पेशली ले लेता हूँ चलो ये लर्न मोर का लोगो हम ले रहे हैं और यहाँ पर लर्न मोर का लोगो को ले मैं यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैक करूँगा और इस लोगो को मैं यहाँ पर कॉर्नर में रखना चाहता हूँ राइट मेरे वीडियो में तो इसके लिए मैं कंट्रोल आर बटन प्रेस करूंगा कंट्रोल आर बटन प्रेस करने के बाद इसकी साइज़ कम करते समय कंट्रोल शिफ्ट बटन होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है कंट्रोल शिफ्ट बटन और यहाँ पे मुझे इसे रख देना है लर्न मोर का लोगो राइट right? अब मैं चाहता हूँ कि लर्न मोर का लोगो एंड करते समय वीडियो एंड होते समय यहाँ तक आ जाए नीचे तक तो मैं यहाँ पे कर्सर रख दूंगा अभी देखिए प्लेहड कर्सर यानी कि कर, यहाँ पर प्लेहड रख दूंगा फिर मैं कंट्रोल आर बटन प्रेस कर दूंगा इसको सिलेक्ट रखना जरूरी है तभी आप कंट्रोल आर बटन प्रेस कीजिए ये सिलेक्ट है तो ये देखिए इसका कलर ऐसा है उसके बाद आप कंट्रोल आर बटन प्रेस कीजिए और इस वाले पोजीशन पे मैंने इस वाले लोगों को यहां पे रख दिया अब क्या होगा कि यहां पे एक एनिमेशन तैयार होता है की फ्रेम के बीच में अब मैं यहां से प्ले कर देता हूं तो आपको दिखा दे रहा है वो लोगों नीचे की तरफ आ रहा है तो आप इस तरह का एनिमेशन रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं एक जगह पे रखना चाहते हैं तो एक जगह पे रख सकते हैं और यहाँ पे आप की फ्रेम को नोटिस भी कर सकते हैं यहाँ पे देखिए की फ्रेम ऐड हो चुका है ग्रीन पॉइंट छोटा सा आ गया है तो यहाँ पे आपको पता चला कि इमेज को एनिमेशन कैसे आने वाला है अगर आप चाहते हैं कि इस इमेज को एंटायर वीडियो में मैं अप्लाई करूँ तो मैं इसे ड्रैक करके ऐसे रख सकता हूँ या फिर मैं स्टार्टिंग से करना चाहता हूँ तो मैं इसके बीच में यहाँ पे माउस पेंट रखूंगा और मूव करूंगा इसे स्टार्टिंग से मैं चालू करना चाहता हूँ इमेज को और मुझे एंडिंग तक चाहिए तो मैं इसे ड्रैग करूंगा और इमेज को इस तरह से आप पूरा इंटायर वीडियो के लिए लेना चाहते हो तो ले सकते हैं लेकिन ये एनिमेशन यहाँ तक ही प्ले होगा याद रखिए एनिमेशन आगे नहीं होगा आप चाहते कि यार ये लोगों में दोबारा ऊपर लेके जाऊँ तो आप लेके जा सकते हैं आगे करसर जहाँ पे आपको ऊपर लेके जाना है वहाँ पे रखिए देखिए कर्सर यहाँ पे रखा है इमेज को सिलेक्ट रखो कंट्रोल आर बटन प्रेस करो सेम स्टेप्स करो कंट्रोल आर बटन से क्या होने वाला है आपको पता है यहाँ पे पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे ट्रांसफॉर्म के और ये मिडल पे माउस पॉइंटर रखो और ड्रैग करके ड्रॉप करके ऊपर रख दो अब देखिए क्या होगा अब यहाँ से तो नीचे आ रहा है लोगो नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा फिर आपको नीचे लेना है दोबारा तो आगे नहीं नेक्स्ट की फ्रेम ऐड करो की फ्रेम ऐड करना मतलब सिंपल है कर से यहाँ पे रखो कंट्रोल आर बटन प्रेस करो और इमेज को मुँह करो ऑटोमेटिक की फ्रेम ऐड होती जाती है तो बेसिकली आपको इमेज को एनिमेशन देना भी पता चला इमेज पूरे एंटायर वीडियो में कैसे रखनी है पर्टिकुलर लोगो या इमेज वो भी आपको पता चला है इसमें अब ऑडियो की बारी आती है नेक्स्ट हम नेक्स्ट ट्रैक पे लेने वाले ऑडियो को यहाँ पे ट्रैक नंबर थ्री दिखाई दे रहा है वो खाली पड़ा है तो उसे हम भर देते हैं ऑडियो के साथ तो यहाँ पे ऑडियो पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ढेर सारे ऑडियो है लेकिन मैं ऑडियो सुन के ऐड करना चाहता हूँ तो उसका प्रीव्यू मैं देखना चाहता हूँ तो सपोज ये वाला ऑडियो कुछ फनी साउंड से मेरे पास तो वो मैं लेता हूँ फनी ट्विंग तो मैं यहाँ पे इसे राइट क्लिक करूँगा और प्रीव्यू फाइल करके यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा प्रीव्यू फाइल और यहाँ पे प्ले करके मैं देखूँगा ओ oh, यस yes. ये फनी साउंड मुझे चाहिए कहीं पे मैंने अगर जोक किया है तो तो उस जोक के टाइम पे मुझे ऐड करना है सपोज़ यहाँ पे मुझे ऐड करना है ये गैप में इधर तो मैं इधर ऊपर ट्रैक थ्री पे ये फ़नी साउंड को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा इस वाले पोजीशन पे और नीचे वाले वीडियो का साउंड भी थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर देता हूँ मैंने म्यूट करके रखा है उसे बेसिकली एंट्र क्लिप को मैं हंड्रेड कर देता हूँ राइट लेवल हंड्रेड अब सुनाता हूँ क्या आप देख सकते हैं ट्यूंग यही वैसे भी वहाँ पे कुछ मैंने जोक नहीं किया है बट यू कैन एड इट लाइक आप समझ गए कि ये फनी ट्विंग कहाँ पे ऐड करनी है आपको वैसे माउस क्लिक का है या बहुत सारे साउंड है और ये सारे के सारे जो साउंड्स हैं ना मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है वहाँ पर मेरे पास रिसेंट ब्लॉग करके एक सेक्शन है ऐप में वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं करना ये है कि ऐप को डाउनलोड करना है इंस्टॉल करना है रजिस्टर करने के बाद जैसे आप जाओगे वहाँ पे रिसें ब्लॉग में बहुत सारी प्रैक्टिस फाइल्स मैं फ्री देता रहता हूँ तो रिसेंट ब्लॉग्स में जाइए और वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड आपको एक पार्ट मिल जाएगा और वहाँ पर आपको ये वाले ऑडियोज़ और इस वीडियो से रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिस फाइल मैं दे रहा हूँ वो सारी की सारी वहां पर मिल जाएगी आपको डाउनलोड करने के लिए बिल्कुल फ्री में दोस्तों ओके सो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि भाई साउंड कैसे ऐड करना है अगर मुझे एक म्यूजिक ऐड करना है बैकग्राउंड में कंटिन्यू तो कैसे ऐड करेंगे सपोज पे मेरे पास एक म्यूजिक है जैसे right ये ये सी साइड वाला वाला म्यूजिक म्यूजिक मैं सुनता पहले राइट क्लिक फाइल चलो साइलेंट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे और ये मुझे ऐड करना है तो मैं इसे क्लिक करूंगा ध्यान से देखिए क्लिक करूंगा ड्रैग करूंगा और ड्रॉप करूंगा यहाँ पे एंटायर वीडियो में वो आ जाएगा राइट right? अब ये ऑडियो तो मैंने ऐड कर दिया यहां पे आप स्टार्ट करेंगे देखिए देख आजकल कोई बैकग्राउंड तो तो right? में, को। मतलब में आ रहा है वो बट वो आवाज मुझे प्रॉपरली सुनना है तो इस वाले आवाज को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जीरो परसेंटेज कर देता हूँ लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है इस ऑडियो के साथ ध्यान से देखिए इस ऑडियो का ट्रैक मुझे नहीं दिख रहा है तो अगेन राइट क्लिक डिस्प्ले शो वेव फॉर्म ऑडियो अगर आपको देखना है तो शो वेव फॉर्म की जरूरत है आपको और शो वेव फॉर्म में यहाँ पे वेव आपको दिखाई देगी राइट right? वेव फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है अब इस ऑडियो का आवाज़ मुझे बहुत कम रखना है बैकग्राउंड में तो राइट क्लिक कीजिए वॉल्यूम में जाइए और एंटायर क्लिप के लिए आप कितना परसेंटेज रखना चाहते हैं आप लेवल फोर्टी थर्टी वो आप अलग अलग परसेंटेज रख के वो सुन के देखिएगा और यहाँ पे आप ये भी चीज़ कर सकते हैं फेड इन एंड फेड आउट ओके सो फेड इन एंड फेड आउट क्या होता है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ सपोज मैंने अभी ये देखिए मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ ये स्टार्ट होते समय ये ये वाला साउंड बेसिकली कैसे कि स्लोली स्टार्ट हो रहा है अब मैं इस साउंड को ही डिलीट कर देता हूँ ये साउंड स्लोली स्टार्ट हो रहा है मैं इस वाले साउंड को लेता हूँ ये जरा साउंड है ना ये स्टार्टिंग में ही बड़ा आता है मुझे फेड इन मतलब स्टार्ट होते समय आवाज़ स्लोली होना चाहिए तो वो हम इफेक्ट डाल सकते हैं तो इस वाले ऑडियो ट्रैक पर मैं राइट right क्लिक करूंगा इसका वेव फॉर्म मैं पहले शो कर लेता हूँ यहाँ पर वेव फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है और मैं प्ले करता हूँ ये देखिए तो ये बहुत बड़ा रहा है स्टार्टिंग में और यहां से आगे का ऑडियो मैं नहीं रखना चाहता हूं यहां तक रखना चाहता हूं ऑडियो तो मैं यहां पे क्या करूंगा कंट्रोल के अगर मैं प्रेस करता हूं तो आपको पता है क्या होगा वो स्प्लिट होगा और मैं आगे का ऑडियो डिलीट करना चाहता हूं तो क्लिक करके डिलीट कर दूंगा राइट या फिर कंट्रोल एल बटन प्रेस करने से वो वही हो जाता अब मैं एंडिंग में एक बार ऑडियो सुनाता हूँ स्टार्टिंग में तो मैंने सुना दिया और ये कट हो रहा है डायरेक्टली ये ऐसा स्लोली कट नहीं हो रहा है राइट right? स्लोली जाना चाहिए जैसे फेड आउट जिसे बोलते हैं हम लोग इफेक्ट तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्टार्ट ऑफ क्लिक या फिर एंड ऑफ क्लिक फिलहाल एंड ऑफ क्लिक में मुझे क्या करना है फेड आउट फास्ट या फेड आउट स्लो फेड आउट स्लो करना है तो मैं फेड आउट स्लो बटन पर क्लिक कर रहा हूँ अब मैं इसे प्ले करता हूँ अब आपको दिखाई दे रहा है आवाज स्लोली यहां पे बंद हो रहा है और स्टार्टिंग में भी वही करना है तो आप कर सकते हैं यहां पे मैं कर्सर रखूंगा सपोज यहाँ पे राइट क्लिक करो इस पे और वॉल्यूम पे जाओ और यहां पे देखो स्टार्ट ऑफ क्लिक को मैं क्या करना चाहता हूं फेड इन स्लो फेड इन स्लो वहां पे फेड आउट था यहाँ पे फेड इन रहेगा क्योंकि स्टार्ट ऑफ क्लिप है राइट right? तो इस तरह से आवाज स्लोली सुनाई दे तो फेड इन फेड आउट भी आप कर सकते हैं आपको लगता है तो फेड इन फेड आउट भी करो आपको लगता है आप कम करना चाहते हैं वॉल्यूम इसका तो वॉल्यूम में जाओ और कितना परसेंटेज आप करना, कम करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं एंटर क्लिप में आपको रखना है इसको 20%, तो आप एंटर क्लिप में ट्वेंटी परसेंटेज रखो और प्ले करके देखो इसका आवाज वैसे भी पहले से ज्यादा है तो यहां पे आपको पता चला कि वॉल्यूम के साथ हम क्या कर सकते हैं वॉल्यूम में यहां पे जाकर आप एंटर क्लिप में जितना आवाज रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं आप चाहिए तो उसका फेड इन फेड आउट भी कर सकते हैं ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली है तो चलिए अभी ऑडियो के बारे में बहुत सारी जानकारी तो मैंने यहाँ पे आपको दे दी कि कैसे कर सकते हैं इमेज कैसे ऐड किया जाता है मैं इनको डिलीट कर देता हूँ ऑडियो को वगैरह और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो ऑडियो पड़ा है उसे मैं सेपरेट करूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे जो आगे वीडियो पड़ा है मैंने उसे डिलीट कर दिया तो अब यहाँ पे जो वीडियो में ऑडियो पड़ा है पहले मैं इस ऑडियो को जो म्यूट किया था उसे मैं ऑन करके रख देता हूँ 100 परसेंटेज और इस ऑडियो को मैं अलग करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो इस वीडियो पे राइट क्लिक करने के बाद सेपरेट ऑडियो करके एक ऑप्शन आपको मिलेगा सिंगल क्लिप ऑल चैनल्स क्लिक कीजिए यहां पे ये ऑडियो सेपरेट होने वाला है आप इस ऑडियो को ड्रैग करके ऊपर रख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेपरेट ऑडियो हो चुका है सिंगल क्लिप हो चुका है नीचे वीडियो में भी आपको वेब मिल रहा है लेकिन वो वेब फॉर्म वहां पर नहीं है मतलब उसमें आवाज नहीं रहेगी अगर आप इसे साइड में रखोगे और सुनोगे बस खाली तो दिखाई दे रहा है वीडियो में बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है लेकिन यहाँ पे आवाज आ रहा है कोई भी चीज़ प्रेजेंट करनी है तो वीडियो का जमा लेकिन ये मिसमैच हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने इस वीडियो को आगे इस ऑडियो को आगे ले लिया तो इसे इस तरह से रखो तो वीडियो में से ऑडियो अलग सा निकालना है तो आप निकाल सकते हैं तो आप बोलोगे ये कैसे समझ में आएगा कि भाई इसमें ऑडियो नहीं है तो इसको राइट क्लिक करो और इसका डिस्प्ले जो है इसे शो थम करो ताकि ये वीडियो है और ये आपका ऑडियो अलग सा आपको मिल चुका है यहाँ पे

ऑडियो कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वीडियो के अंदर से अगर आपको करना है जरूरी है तो आप कर सकते हैं अब बारी है इसमें टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं तो चलिए टेक्स्ट ऐड करना सीखते हैं तो बहुत सारी बार हमें हमारे कंपनी का नाम अपना नाम या फिर हमें कुछ लिखना होता है यूजर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए तो यहाँ पे एक टाइटल ऑप्शन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है सो so, टाइटल पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कंट्रोल टी बटन उसके लिए शॉर्टकट की है और कंट्रोल टी बटन प्रेस करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आ गया इसे ऐड करने के पहले यहाँ पे याद रखिए कि ये जो टाइटल है इसका एक इमेज फॉर्म बनता है जब आप इसे यहाँ से सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो मुझे ये वाला टाइटल पसंद आया है इसका नाम बदलना है तो आप बदल सकते हैं आप कस्टमाइज नाम रखना चाहते हैं रख सकते हैं मैं उसमें नहीं कुछ कर रहा हूँ यहाँ पर जहाँ पर मुझे चेंज करना है वो है टाइटल में तो मैं यहाँ पर चेंज करूँगा सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरा नाम लिख देता हूँ तो मैंने नाम और मेरा डेजिग्नेशन यहाँ पे लिख दिया सतीश ढोड़े फाउंडर एल एम पी एंड मोप्रो ओके और यहाँ पे टेक्स्ट कलर आप बदल सकते हैं अगर आप टेक्स्ट कलर पे क्लिक करके कलर बदलना चाहते हैं आपकी चॉइस है आप, आप बैकग्राउंड कलर बदलना चाहते हैं आपकी चॉइस है मैं फिलहाल इसे सेव कर देता हूँ राइट right? यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं फॉन्ट वगैरह भी बदल सकते हैं अगर आपको फॉन्ट पसंद नहीं है फॉन्ट की साइज बदलनी है देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन तो वो बेसिक ऑप्शन है मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ फिलहाल हम सेव करते हैं और जैसे मैं सेव करूंगा तो वो गया कहाँ पे वो गया है इमेज के ऊपर क्योंकि उस टेक्स्ट को वो इमेज में कन्वर्ट कर देता है इमेज सेक्शन में आपको यहाँ पे वो जो टाइटल आपको दिखाई दे रहा है ना वो दिखाई देगा उसका नाम तो बेसिकली मैंने बदला नहीं था वही नाम आ रहा है टाइटल फाइल नेम तो इसे मैं ड्रैक करके ड्रॉप करके रखना चाहता हूँ जहाँ पे भी रखना चाहता हूँ वहाँ पे वो आएगा राइट और ये इमेज है बेसिकली याद रखिए ये इमेज है तो उसे इमेज की तरह ही पेश आ जाओ तो इसे एनिमेशन देना या फिर कंट्रोल आर ट्रांसफॉर्म वगैरह जो मैंने बताया था कंट्रोल आर करो और इसकी साइज जो है कम करो लेकिन साइज़ कम करते समय अगेन कंट्रोल शिफ्ट बटन होल्ड करो और इसे जहाँ पे भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ मैं यहाँ पे रखना आप रख सकते हैं लेकिन जब रख रहे हो तो प्ले हेड का पोजीशन कहाँ पे रहना चाहिए स्टार्टिंग में और आप चाहते कि यार इसे एनिमेटेड हम बनाएं मतलब ये स्टार्टिंग में यहाँ पर रहे और वीडियो चल रहा है तब तक यहाँ पर चला जाए ओके तो उसके लिए आप यहाँ पर कर्सर रखो जहाँ पे भी यहाँ पर रखो कर्सर और फिर यहाँ पर कर्सर रखने के बाद दोबारा आप क्या करोगे -R, बटन प्रेस करोगे। लेकिन -R प्रेस करते है ये वाला राइट आप इसकी साइज बढ़ाना चाहते तो वो भी बढ़ा सकते हैं वो भी बढ़ जाएगी धीरे धीरे तो यहाँ पे प्ले कर जमाना है और वीडियो का जमाना है तो आपको वीडियो अच्छी तरह से एडिट करना आना चाहिए बस शूट करना मतलब उतना ही काम नहीं है आपका वीडियो शूट करना काम नहीं है आपका एडिट करना आना चाहिए और हम सीख रहे हैं एडिटिंग राइट तो मैंने आपको बताया कि वीडियो में हम टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट ढेर सारे यहाँ पे दिए हैं टाइटल में जाइए टाइटल में ऐड कर सकते हैं आप ढेर सारे टेक्स्ट यहाँ पे दिए हैं एक एक करके ट्राई कर लीजिएगा बेसिकली ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है तो आप फ्री में बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक एनिमेटेड टाइटल करके भी ऑप्शन दिया गया है लेकिन इसे ऐड करने के लिए आपको ब्लेंडर सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा जैसे आप इसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक पॉपो पाता है कि भाई ब्लेंडर डॉट ओ आर जी पे जाओ ब्लेंडर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो और ब्लेंडर के बाद ये वाला चलने वाला है ये याद रखिए तो ब्लेंडर से ही ये रेंडर होगा तो ये एनिमेटेड टाइटल फिलहाल मैं यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ब्लेंडर यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया लेकिन एनिमेटेड टाइटल वैसे भी डाल सकते हैं और वैसे भी इससे एनिमेशन कैसे देना है ये मैंने आपको बता दिया है अब बेसिकली अभी एक अच्छा सा वीडियो अपना एडिट कर सकते हैं ट्रांजिशन हो गया एनिमेशन हो गया सब कुछ हो गया अब एक और चीज़ है जो कि है इफेक्ट तो चलिए इफेक्ट को जान लेते हैं यहाँ पे काफी सारे इंटरेस्टिंग इफेक्ट है जिसमें मुझे क्रोमा की इंटरेस्टिंग लगा है क्रोमा की हम कब यूज करेंगे क्रोमा की हम ग्रीन स्क्रीन के लिए यूज करेंगे तो ग्रीन स्क्रीन के लिए क्रोमा की कैसे यूज किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ सिंपल है सपोज मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई सब्सक्राइब का बटन ऐड करूँ तो सब्सक्राइब का एक वीडियो मैंने डाउनलोड करके रखा है स्पेशली सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने के लिए तो मैं प्रोजेक्ट फाइल में जाऊंगा यहाँ पे वीडियो सेक्शन में कंट्रोल एप बटन प्रेस करूंगा राइट कंट्रोल बटन प्रेस करने के बाद मेरे पास डेस्कटॉप एक वीडियो मैंने रखा है ये वीडियो भी मैंने वहां मैंने बेसिकली गूगल ड्राइव की लिंक ही दी है मेरे डाउनलोड ऑल फाइल सेक्शन में जो कि मैंने ऑडियो वीडियो जो भी रिक्वायर्ड है वीडियो एडिटिंग के लिए वो सारी चीजें वहां पे दी है बेसिकली तो ये ग्रीन स्क्रीन का वीडियो भी आपको वहां पे मिल जाएगा सब्सक्राइब बटन का है तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और इसका प्रिव्यू देखना चाहते हो तो आप प्रिव्यू कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा स्प्लिट क्लिप कंट्रोल एक्स एक्सपर्टन जिया मैं इसे अगर क्लिक करता हूं यहां पे तो यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रीन आ रहा है इसमें क्या आ रहा है कि भाई अगर आप वीडियो लेना चाहते हैं ट्रैक पे तो पूरा वीडियो नहीं लेना चाहते सपोज आप चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर पार्टी ले तो आप उसे स्प्लिट करके रख सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट में तो क्या करना है मुझे मुझे ये वीडियो यहाँ से सपोज़ यहाँ से आगे चाहिए तो मैं यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करूँगा और एंड कहाँ तक चाहिए मुझे एंड यहाँ तक ही चाहिए बस तो एंड देखिए स्टार्ट और एंड बटन दोनों मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए यहाँ पे इस पोजीशन को सिलेक्ट करके और मैंने क्रिएट बटन पे क्लिक किया जैसे मैं क्रिएट करूँगा यहाँ पे एक नई क्लिप तैयार हो गई ये देखिए यहाँ पे एक और क्लिप तैयार होगी मतलब ये कि इन वीडियोज़ में से ये बड़े बड़े वीडियो ये इनको डायरेक्टली आप ट्रैक पे नहीं लेना चाहते इनमें से कुछ पार्ट ही लेना चाहते हैं तो आप इन्हें राइट क्लिक करके यहाँ पे स्प्लिट करके स्टार्ट पोजिशन उसका डिक्लेयर कर लो यहाँ पे स्टार्ट पोजिशन सिंपली डिक्लेयर कर लो यहाँ पे एंड पोजिशन डिक्लेयर कर लो आगे लेकर और दोनों भी डिक्लेयर करने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट करो उसका एक क्लिप यहाँ पे तैयार होगा और उस क्लिप को आप डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो उतना ही क्लिप आ जाएगा जितना आप लेना चाहते हैं इंटरेस्टिंग है ना तो फिलहाल मैंने आपको आइडिया दे दी है बस अब ये वाला क्लिप मैं लेता हूँ जो मैंने स्प्लिट किया इतना ही है अगर आप ये देखेंगे ना दोनों का लेंथ देखिए ये ओरिजिनल वाला अगर मैं लेता हूँ तो ये देखिए इसका लेंथ कितना बड़ा है और जो मैंने स्प्लिट किया उसका लेंथ कितना छोटा है तो जो भी लेना चाहते हैं लीजिए लेकिन मैं इसे करना चाहता हूँ क्या इसे मैं करना चाहता हूँ ये जो ग्रीन स्क्रीन है ना वो कम करना चाहता हूँ और इसकी साइज भी बहुत बड़ी आ रही पहले तो मैं इसकी साइज कम कर देता हूं साइज कम करने के लिए क्या प्रेस कर सकते हैं आप कंट्रोल आर आपका प्ले हेड कहाँ पे जरा देख लीजिए प्ले हेड एकदम स्टार्टिंग में है राइट और इसकी साइज कम करते समय कंट्रोल शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए और इसको यहां पे रखना है मुझे सब्सक्राइब को राइट ओके फाइनली अभी ग्रीन स्क्रीन करने के लिए हमें जाना है इफेक्स में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता रहा हूँ दोस्तों फोकस कीजिएगा इपेक्स में जाना है क्रोमा की पे पे क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ओके राइट यहां पे। आ, एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं बात बताना चाहूंगा अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए लाइक भी कीजिए शेयर भी कीजिए इस वीडियो को दोस्तों के साथ ताकि उनको पता चले कि भाई लर्न मोर ऐसा एक चैनल जहां पर ढेर सारी चीजें आपको फ्री में सीखने मिलती है तो ये इतना तो ज़रूर कीजिए भाई इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए बेसिकली आप कर सकते हैं ये आसान बात है आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है सब्सक्राइबर लाइक कमेंट सब कुछ फ्री होता है और ये वीडियो भी फ्री है आपके लिए तो फ़िलहाल यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ क्रोमा की को अप्लाई मैंने क्या किया है मैं दोबारा बता देता हूँ मैंने क्रोमा की को इफेक्ट में से ड्रैग करके वीडियो के ऊपर ड्रॉप किया यहाँ पे एक सी आया है छोटा सा सी इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा अब क्लिक करने के बाद मैं राइट right क्लिक करूंगा और इसकी प्रॉपर्टीज ऑन करूंगा यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज में ऑन करो इसकी प्रॉपर्टीज ऑन करने के बाद यहाँ पे एक प्रॉपर्टी विंडो आ चुकी है अभी देखिए प्रॉपर्टीज विंडो में हम करने क्या वाले हैं ये जो ग्रीन स्क्रीन है वो मैं हटाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे की कलर जो दिखाई दे रहा है ना की कलर ऑप्शन की कलर की कलर पे क्लिक करूंगा क्लिक करते ही यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए बेसिकली डबल क्लिक करने के बाद पिक स्क्रीन कलर ऑप्शन आपको मिल जाएगा पिक स्क्रीन कलर पे मैं क्लिक करूंगा फिर मैं यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक करूंगा जैसे मैं ग्रीन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा यही कलर मुझे यहाँ पे दिखाई देना चाहिए पिक स्क्रीन कलर पे क्लिक करना है यहाँ पे जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा था आपका ये जो भी कलर है यहाँ पे वो यहाँ पे पिक हो चुका है क्रोमा की के लिए और ओके बटन पे क्लिक करो अब आप देखेंगे यहाँ पे वो आ चुका है लेकिन यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा ग्रीन शेड आपका आउटलाइन में दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे फज जो है ना ये फज इसको करो ज्यादा फर्ज को ज्यादा करो लेकिन ये सब चीजें करते समय एक बात हमेशा याद रखो कि इसे ज्यादा करने के बाद या, प, या, या ज्यादा करते समय ये हमारा जो प्ले हेड है वो स्टार्टिंग में ही रहे राइट ओके ठीक है स्टार्टिंग में अब अगर मैं इसे प्ले करता हूं यहां से तो कोई बात नहीं है मैं आपको मोबाइल पे वीडियो कैसे एडिट करना है क्या बात है सब्सक्राइब हो चुका है तो सब्सक्राइब यहां पे आपको कर देना इस चैनल को दोस्तों कर लीजिएगा सब्सक्राइब फिलहाल आपको ग्रीन स्क्रीन कैसे ऐड करना है डेफिनेटली समझा होगा सुनाओ अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ना है कि मुझे इस वीडियो को क्रॉप करना है ये जो वीडियो दिखाई दे रहा है मुझे इतना ही पार्ट दिखाना है तो उसे कैसे किया जाता है तो इस वीडियो को दोबारा क्लिक करो क्रॉपिंग हम सीखते हैं क्रॉपिंग करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज़ की जरूरत पड़ती है ये प्रॉपर्टीज विंडो यहाँ पे आ चुकी है अगर मैं इसे क्लोज कर दूंगा यहाँ से देखिए तो मैं इस वीडियो के ऊपर राइट क्लिक करूंगा अब हम वीडियो की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी देखते हैं यहाँ पे ढेर सारी प्रॉपर्टीज है मैं एक प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ क्रॉपिंग की प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे स्क्रोल करूंगा और यहाँ पे आपको स्केल एक्स

देखिए मैं साइज यहाँ पे क्या करने वाला हूँ इसका सपोज मैं साइज इसका तीन करना चाहता हूँ यह दो ही कर लेता हूँ 2.0 तो ये देखिए विड्थ में बढ़ गया मतलब स्केल में वाई एक्स में बढ़ गया है वाई में भी बढ़ा दीजिए नहीं तो फिर गड़बड़ दिखाई देगा वीडियो के ऊपर राइट एकदम चेहरा ऐसा स्ट्रेच हो जाएगा मैं ऐसा जाड़ा नजर आ जाऊंगा राइट तो बेसिकली हमें यहाँ पे इतना ही करना है लेकिन ये वीडियो की पोजिशन तो गलत है ना भाई इसकी पोजीशन ये नहीं चाहिए हमें मतलब ये पोजीशन तो प्रॉपर नहीं है वीडियो कहीं पे और चला गया है तो इसकी पोजीशन के लिए हम कंट्रोल आर बटन प्रेस करेंगे और वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा नीचे खींचेंगे जैसे आप कंट्रोल आर बटन प्रेस करते हो तो आप देख पाएंगे कि भाई यहाँ पे हम वीडियो को तो नीचे ले रहे हैं और उसका लोकेशन का एक नया की फ्रेम भी यहाँ पे ऐड हो रहा है ऑटोमेटिकली तो ये की फ्रेम प्रॉपर्टीज में बार बार ऐड होते रहते हैं आप खुद से भी ऐड कर सकते कैसे हैं कैसे मैंने ऐड करना है वो बता दिया है और जो की फ्रेम नहीं चाहिए क्लिक करके आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको स्टडी करके प्रैक्टिकली प्रॉपर्टीज आप ढेर सारी चेक कर सकते हैं फिलहाल आप प्ले करके देखिए प्ले बटन पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ आजकल कोई भी चीज प्रेजेंट करनी है तो वीडियो का जमाना है लेकिन इसे प्ले करते समय एक बात याद रखिए जब आप प्ले कर रहे हो तो स्पेस बटन से मत प्ले कीजिए क्योंकि हमारा सिलेक्शन यहां पे रहता है जब हम की फ्रेम एड करते तो तो स्पेस बटन प्रेस करते ही कर्सर यहां पे आ जाता है और फिर यहाँ का वन जो है या जो भी है जीरो हो जाता है वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है हमें तो ये सारी चीजें हमारे साथ होती रहती है तो इसीलिए आपको क्या करना है प्ले करते समय स्पेस बटन से नहीं प्ले करना है यहां से प्ले करना है जब आप की फ्रेम पे काम कर रहे हो तो यहां से प्ले किया करो राइट right? की प्रेम पे यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो कोमा की के अंदर या फिर यहाँ पे भी तो बेसिकली आपको ये समझ में आया कि ये क्रॉप कैसे करना है राइट right? और क्रॉप एंड जूम भी आप कर सकते हैं इसके लिए कैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक काम कर देता हूँ ये सारी खिचड़ी मैं डिलीट कर देता हूँ ए डिलीट मैं दोबारा दिखाता हूँ एक वीडियो के साथ क्रॉप एंड जूम आपको प्रोजेक्ट फाइल्स में जाना है और मुझे एक क्रॉप एंड जूम करना है एक वीडियो को स्पेशली तो मैं इसी को लेता हूँ और इसमें छोटा सा पार्ट लेता हूँ वीडियो को तो राइट क्लिक करेंगे स्प्लिट क्लिक करेंगे यहाँ से ये स्टार्ट पॉइंट रख देते हैं और यहाँ से थोड़ा सा आगे लेके एंड पॉइंट रख देते हैं और क्रिएट कर देते हैं राइट यहाँ पे देखिए छोटा क्लिप आ गया इस क्लिप को क्लिक एंड ड्रैग करके मैंने यहाँ पे रख दिया एकदम छोटा क्लिप है और मैं से क्रॉप एंड जूम मतलब जूम भी होना चाहिए एनिमेटेड होना चाहिए वो आपको बेसिकली अभी आ जाएगा क्योंकि की फ्रेम के आइडिया मैंने दे दिया आपको तो कर्सर आपका स्टार्टिंग में रहने दो जहाँ पे कर्सर है स्टार्टिंग में आप क्या करोगे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में है आपके पास प्रॉपर्टीज विंडो होनी चाहिए जो कि ऑलरेडी है नहीं है तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज विंडो ले लो वीडियो के ऊपर और यहां पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहां पे स्केल एक्स में वन और वन यहां पे रहने दो राइट मुझे यहां पे यही रहने देना है लेकिन मुझे क्या करना है इस वाले पोजिशन पे इस वाले पोजिशन पे वीडियो थोड़ा सा जूम होना चाहिए इस वाले यहाँ पे प्लेड मैं रखूँगा तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या प्रेस करूँगा चाहिए तो मैं कंट्रोल आर बटन प्रेस करूँगा देखिए कंट्रोल आर से भी मैं कर सकता हूँ डायरेक्टली कंट्रोल आर बटन यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे मैं की फ्रेम इंसर्ट करके भी कर सकता हूँ कंट्रोल आर ईजी रहेगा मेरे लिए तो कंट्रोल आर से मैं इसकी पोजिशन इधर उधर कर सकता हूँ मैं पहले कंट्रोल आर करके पोजिशन नहीं इसका पॉइंट जो है इसकी साइज़ में बढ़ाना चाहूँगा और कंट्रोल शिप बटन में प्रेस करूँगा साइज़ बढ़ाते समय ताकि वो प्रोपोर्शनली साइज़ बढ़े और फिर मैं ऐसा रखूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर आप नोटिस करोगे लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टीज़ में कुछ यहाँ पे की फ्रेम इंसर्ट हो रही है अब आप प्ले हेड को यहाँ पे रख दो और प्ले बटन से प्ले करोड आज कल कोई भी चीज प्रेजेंट दोबारा देख सकते हैं आप मैं प्ले कर रहा हूं आजकल कोई भी चीज प्रेजेंट कर तो ऐसा आप प्रॉपरली जूम भी कर सकते हैं वीडियो के ऊपर तो ढेर सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली ढेर सारी चीजें इसके ऊपर होती है आपको रिसर्च करके सीखनी पड़ेगी दोस्तों मैंने तो आपको आइडिया दे दी कि बेसिकली वीडियो एडिट कैसे किया जा सकता है तो दोस्तों वीडियो तो फाइनली आपने एडिट कर लिया वीडियो एड करना ऑडियो ऐड करना इमेज ऐड करना इफेक्ट्स ऐड करना टेक्स्ट ऐड करना सारी चीज़ें सीख ली लेकिन फाइनली वीडियो एडिट हो गया आपका यहाँ पे ट्रैक के ऊपर तो उसे आपको एक्सपोर्ट तो करना पड़ेगा तो एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक कीजिए एक्सपोर्ट वीडियो बटन पे क्लिक करके आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो रेडी होने के बाद तो यहाँ पर एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको वीडियो का नाम देना पड़ेगा तो मैंने इसे नाम दे दिया माई वीडियो करके उसके बाद कहाँ पर एक्सपोर्ट करना है उसका लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लोकेशन आ चुका है कि भाई सी ड्राइव में लर्न लन प्रो फोल्डर है वहाँ पे आप लोकेशन पे सेव करना चाहते तो कर लीजिए या फिर आप ब्राउज करके दूसरा पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं हमें कौन से फॉर्मेट में चाहिए प्रोफाइल क्या चाहिए वेब के लिए चाहिए तो वेब के लिए हम ले सकते हैं और हमारी वीडियो की क्वालिटी कौन से फ्रेम रेट में है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं वन जिरो जिरो पिक्सल ट्वेंटी फाइव एफ फ्रेम पर सेकेंड्स वाला ये मेरा वीडियो है मैं एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करूंगा जैसे मैं एक्सपोर्ट करूंगा यहाँ पे एक्सपोर्ट चालू हो जाएगा और फटाक से एक्सपोर्ट हो जाएगा बेसिकली ये छोटा सा वीडियो मैंने लिया है ये क्विकली एक्सपोर्ट हो जाएगा डिपेंड आपके कंप्यूटर में रैम और ग्राफिक्स कैसा है उसके हिसाब से एक्सपोर्ट होने वाला है डन और ये वाला जो प्रोजेक्ट है वीडियो का ये आप सेव करके रखना चाहते हैं वीडियो तो एक्सपोर्ट हो गया लेकिन ये जो ट्रैक वगैरह एज इट इज सेव करके रखना चाहते हो तो फाइल में एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेव प्रोजेक्ट एज कंट्रोल शिफ्ट एस इसकी शॉर्टकट की है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए यहाँ पे प्रोजेक्ट को नाम दीजिए माई फर्स्ट वीडियो जो भी एडिट कर रहे हैं आप और इस प्रोजेक्ट को भी आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं इसी फोल्डर में सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं और अगर आप ओपन शॉर्ट वीडियो एडिटर की सारी शॉर्टकट की देखना चाहते हो तो एडिट में जाइए और सेस वाले बटन पे आप क्लिक कीजिए यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे दिखाई देगा कीबोर्ड एक टैब यहाँ पे कीबोर्ड टैब कीबोर मिल रहा है इस डायलॉग बॉक्स में कीबोर्ड टैब में आपको ढेर सारी शॉर्टकट कीज यहां पे मिलेगी ये शॉर्टकट कीज आप देख सकते हैं कि भाई किसके लिए क्या शॉर्टकट कीज है और एक्सपोर्ट किया हुआ वीडियो आपको अगर देखना है तो आप सिंपली उस फोल्डर में जाकर इसे ओपन कर सकते हैं जैसे मैंने सी ड्राइव में मेरे यूजर्स के अंदर लर्मो प्रो फोल्डर है इसमें मेरा एक्सपोर्ट हो चुका है ये रहा माई वीडियो नीचे आपको दिखाई दे रहा है इसे मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ

क्रोमा की कैसे इस्तेमाल करते हैं ग्रीन स्क्रीन के ऊपर ये भी मैंने आपको बताया सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद तो आया ही होगा साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि लर्न मोर के अलावा मेरे पाँच और चैनल है जैसे कि रियल ट्यूटोरियल है एक्सेल ट्यूटोरियल है टैली ट्यूटोरियल है कंप्लीट टेक्नोलॉजी है सतीश टैक है क्यूरियासिटी है इन चैनल्स को जरूर विजिट कीजिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी आपको कुछ नई चीज़ें जरूर सीखने मिलेगी और साथ ही में हमारी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है जहाँ पर ढेर सारे नोट्स हम फ्री में अपलोड करते रहते हैं ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं फ्री में लर्न इस वेबसाइट का नाम है ये स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा है आप जरूर चेक कर सकते हैं सारी चीजों का लिंक हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है बस अभी आपका काम है कि इसे पकड़ना आई मीन टू से उन लिंक पे क्लिक करके देखना है कि आपके लिए क्या क्या सीखने के लिए फ्री में है वहां पर तो जरूर चेक कीजिए हमारी सारी वेबसाइट लिंक एंड ऑल फिलहाल के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए सिखाते रहिए बाय बाय